इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सोनाली। आज मैं चंडीगढ़ से लाइव हूँ आप लोग के साथ। तो आज मेरे शो में वो शख्स है जिन्हें शायद कुछ साल पहले थोड़ा सा रिग्रेट था, जब वो इसी शहर में अपना कॉलेज पूरा करने आए थे। वो साइकिल पे आते थे। आप देख रहे हैं जिंदगी कितनी छोटी होती है। एक दिन वो साइकिल पे आए और फिर वो थोड़ा रिग्रेट रहा होगा, कुछ इस शहर ने सबक भी दिए होंगे। बट आज देखिए वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उस सबक से कुछ सबक सीखे, अपनी सफलता की कहानी सुनाने, क्योंकि उनकी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है यूनाइटेड कच्चे। सो लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ सुनील ग्रोवर की। हेलो, हाय सुनाली, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने इनिशियली बोला कि चंडीगढ़ में आप है, बैक टू योर सिटी, तो मैंने कहा कि आप पहले साइकिल पे आते थे। मैंने कहीं सुना था वो रिग्रेट था आपके दिमाग में ना। एक्चुअली रिग्रेट वर्ड बहुत हैवी वर्ड है उसके लिए। वो एक ये साइकिल का मुझे रिग्रेट नहीं था, पर मेरे को इच्छा थी कि स्कूटर होता, कि क्योंकि स्कूटर भी इसलिए नहीं, कुछ चाहिए था मुझे, साइकिल में एंजॉय कर रहा था और साइकिल भी बिना मड गार्ड वाला था, तो किसी और किसी का था जी। वो जो ना झुक के चलाते हैं ऐसे, जो है ना स्पोर्ट्स साइकिल होते थे, ऐसे चलाते थे झुक के, तो उसमें मड गार्ड नहीं था। तो मेरा कॉलेज का पहला दिन था एसडी कॉलेज में और मैं व्हाइट शर्ट पहन के, और मेरे टीचर ने मुझे दिया था, एक जो डबवाली के टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे दिया था कि इस साइकिल से तुम रख लो। हाँ, तो पहले दिन साइकिल पे गया और इतने में बरसात पड़ गई। अब मुझे नहीं पता कि मडगार्ड नहीं हो तो, मुझे पता भी नहीं है। तो कॉलेज जब पहुंचा मैं, मैंने पार्क किया, लॉक लगाया, तो मुझे वहां किसी ने बताया कि तुम्हारी तो शर्ट के पीछे छींटे पड़े हैं कीचड़ के, सारा डिजाइन बना हुआ मेरे नीचे पैंट तक। तब रियलाइज हुआ कि मडगार्ड नहीं है उसके अंदर। तो और मैं नई शर्ट, व्हाइट शर्ट, कॉलेज का पहला दिन, चंडीगढ़, यू नो काफी सारी चीजें और सारी गंदी हुई। और फिर वहां पे वही सेम जो आपने बात कर रहे थे, सब लोग ना हेलमेट उठा के घूम रहे थे यहाँ पे, तो मुझे भी था कि मैं भी हेलमेट उठा के घूमू, तो मैं किसी का मांग लेता था। सो स्वीट, दिखाने के लिए कि मेरे पास भी स्कूटर है। हाँ, तो उसके लोगों को लगे कि इसके पास भी स्कूटर है, और कम से कम और लगे नहीं लगे फीलिंग तो आ जाए कि हेलमेट उठा के कैसे लगता। हेलमेट उठाने का स्टाइल होता था कॉलेज में, यहाँ पे बाइक में ऐसा। तो उसके बाद अपना स्कूटर लिया या फिर वो शौक ही रह गया? लिया ना स्कूटर, लिया स्कूटर। उसके बाद मेरे फादर का स्कूटर चलाया मैंने कुछ समय तक, फिर उसके बाद एक स्कूटर लिया। तो वो विश पूरी हो गई आपकी। तो अभी चंडीगढ़ आए इतने सालों, उसका नाम भी रखा था मैंने। क्या? एक का नाम था बुग्गू, एक का नाम था राजू। बुग्गू राजू, राजू पहले स्कूटर, दूसरे स्कूटर का राजू पहले नाम जी। दैट्स ग्रेट। चलो आप फाइनली चंडीगढ़ आए हैं, वेलकम टू चंडीगढ़। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी वेब शो की बात करते हैं यूनाइटेड कच्चे, अभी चंडीगढ़ में तो क्या है कि पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, तो ये कच्चे पक्के वर्ड तो उनको झट से समझ आता है कि वो आप समझ रहे हैं ना। तो कोई कहानी है आपके पास मुझे बताने के लिए कि आपके टाइम में, वैसे अगर आपके स्ट्रगल की मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने देखा ट्रेलर में छोटे से सोफे में सोने के लिए, मतलब जब आप चंडीगढ़ आए होंगे या जब बॉम्बे गए होंगे स्ट्रगल, तो ये टाइम में भी मैं चंडीगढ़ आया हूं। नहीं नहीं नहीं, एक होता है ना स्ट्रगल का टाइम, जब भी आप यहाँ से नए नए गए वहाँ पे तो रहने अच्छा। के लिए तो मैं बोल रही हूँ, तो वो हमारा टाइम, तो ये टाइम किसका है? आपका टाइम है, आप ही का तो टाइम चल रहा है, देखो आपका तो जमाना आ गया। ये वर्ड सुनते ना दिल से कच 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 करता है, हमारा टाइम स्ट्रगल का टाइम, स्ट्रगल का टाइम। तो कुछ रिलेट किया ट्रेलर से आपने? ऑफ कोर्स, मैं ऐसे आपकी ऐसे टांग की, ऑफ कोर्स आई नो। तो स्ट्रगल का टाइम था और उसे मैंने एंजॉय भी बड़ा किया, तो उसको नाम कुछ भी दे दो। पर आपका सवाल क्या था? हमारा टाइम ट्रेलर में जो मैंने देखा था कि छोटा सा स्पेस, इस तरह के बड़े सारे लोग मिलते हैं हमको जो इस जर्नी में, यू नो मतलब अपनी जर्नी बाहर लेके जाना चाहते हैं और बाहर जाना चाहते हैं। मुझे भी बड़े सारे मिले यहाँ रहते हुए लोग, शौक जाने का। आजकल तो मैं देखता हूँ यहाँ पे IELTS क्या कोचिंग सेंटर जो खुले हुए हैं, इतने तो मैट्रिक की क्लासेस के नहीं खुले जितने वो खुले हैं ना। लेकिन तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बाहर जाने के शौकीन और जाना चाहते हैं। बाहर भी जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ इतने लोग हैं हमारे। इनफैक्ट हमारे शो में, यूनाइटेड कच्चे में एक डायलॉग भी है, यार ये ऐसा लग रहा है चार पांच गोरे बठिंडा घूमने आए हैं, इतने हमारे लोग हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग हैं जो शौक है बाहर जाने में, तो आई कुड रिलेट, आई न्यू किस तरह के लोग होते हैं। हाँ, मैं इलीगली रहा नहीं हूँ या गया नहीं हूँ, तो वो एक शौक की नई चीज़ थी मेरे लिए।
कि मुझे पता चला कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था कि वहाँ पे आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि अगर आपको आईडी देनी पड़ेगी तो पकड़े जाओगे, ट्रैफिक रूल टूट गया अगर आपसे तब पकड़े जाओगे आप, तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा, यू नो, आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते हो, घर नहीं मिलता आपको, तो इलीगल तरीके से इधर जोड़ झूठ जुगाड़ करके रहना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो ऑब्वियसली चीजें रिमाइंड हुई होगी, तो किसी ऐसे अपने खास से बात किया गया, कुछ बताओ ना या पर्सनल एक्सपीरियंस सो दैट टू गेट इनटू द स्क्रिप्ट। मैंने देखे हैं लोग, कहानियां भी पढ़ी हैं, जानता भी हूँ और कुछ रिलेट भी कर सकता हूँ। स्ट्रगल्स उनकी डिफरेंट है पर हैं स्ट्रगल, तो स्ट्रगल वाला इमोशन तो मैंने भी देखा। जब मैं भी मुंबई गया था अपना मुकाम बनाने के लिए, सेटल करने, आई कुड रिलेट फ्यू थिंग्स, घरों में रहना, घर मिलने की दिक्कत, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रगल, मुझे ये शो में काम करने का, हालांकि ये शो फनी है तो इसमें हंसी छट्ठा है, लेकिन मैं समझ में आया कि उधर की स्ट्रगल ज्यादा है हमसे, बाहर की जी स्ट्रगल ज्यादा है। पर एक चीज मैंने नोटिस की, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरा एक बहुत खास दोस्त, उसको जाना था कनाडा, उसकी फैमिली वहां सेटल थी, तो ये जो एक्सेंट वाला चीज होता है ना, मुझे लगता है दिल्ली एयरपोर्ट से पहले ही आ जाता है। उसको अपना दिमाग बनाने में 2 साल लगे सुनील जी कि चलो मुझे फाइनली कनाडा जाना है, तो वो से पहले आ जाता है। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। उसको हम सी ऑफ करने के लिए गए, हम लोग होटल से बाय किया उसको, और बाहर निकलते ही वो जरा पहला ठेठ पंजाबी होता है ना, कितने नू किदा, वो जाके बाहर बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग यार, मैं तुम्हें बेंच सोट देना, एंड आई वाज लाइक तू ही है ना। हमने उसका चमके मजा, हाँ, जो पहले बोलता था कि यार तू ही मेरे सामने पंजाबी बोलो, ये हम जट हुंदे हैं, वो टाइप्स, वो पूरा ही बदल गया। तो वो मुझे लगता है वो पहले ही उनमें आ जाता है कि बाहर जाने, वो एक्सेंट व्हाटएवर, तो लगता है आपका ऐसा। हाँ भाई, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं उतने में आ जाता है एक्सेंट, है ना। मैं तो एक एयरपोर्ट छोड़ने तक सोचा था, आपने तो कहा कि उससे पहले ही आ जाता है, पहले आ गया उसका, तो वहां जाके तो कुछ और ही हो गया। आना भी चाहिए, इट्स गुड, क्यों ना आए, माहौल में ढलना है तो, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जब इनको देख के हमको नकल करने की इंस्पिरेशन मिलती है और उससे और ह्यूमर निकलता है। तो अगर इसकी बात करें आपके वेब शो की, तो इससे पहले जैसे पूरा हर चीज कॉमेडी की है, इस पे भी कॉमेडी होगा, लोगों को ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट कर पाते हैं कि यार सिटकॉम सा कैरेक्टर है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखो, एक्सेप्ट तो आप कुछ भी करो, कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से करो, आपको नहीं पता कि एक्सेप्ट होने वाला है कि नहीं, आपकी कैलकुलेशन ही है वो हर चीज के बारे में, इसके बारे में भी, उसके बारे में भी है। तो अगर आप एक्सेप्ट हो गए तो अच्छी बात है, और ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता कि ये चीज एक्सेप्ट होगी और ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, इसका कोई तरीका ही नहीं है। कॉमेडी जब आप करते हैं तो मुझे लगता है यू आर राइट पर्सन टू आस्क दिस, ये जो फनी और सेंसिटिव दो चीजें होती है ना, इसके बीच की जो एक लाइन होती है, वो बहुत सारे कॉमेडियंस को शायद भूल जाते हैं वो करते करते कॉमेडी, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें या उस चीज में कैसे रोक लगाए कि यार ये फनी है बट ये एक सेंसिटिव चीज है। वो एक इंडिविजुअल, एक आपका अपने, जो आपने कहा लाइन होती है, अपनी लाइन आप खुद सेट करते हो जी। हर इंसान की लाइन, अपने बॉर्डर एरियाज अलग अलग है, जैसे मैं अपने लिए बॉर्डर सेट कर सकता हूँ, तो और मैं कई लोगों को बोल के या प्रीच करके बताना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने बॉर्डर सेट हो चुके हैं, या बॉर्डर सेट करते हैं तो उनके पास अपने रीजंस हैं इसके करने के, तो टू ईच इज ओन। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बॉर्डर है, मुझे कोशिश ही होती है ज़्यादातर कि ऐसे कॉन्टेंट्स का हिस्सा बने जो फैमिली साथ में बैठ के देख सके, मोस्टली ये प्रयास होता है, क्योंकि अगर ये फैमिली इकट्ठे बैठ के देखती है और एंजॉय करती है तो उससे आपस में वो टाइम भी बिताने को मिलता है, जो कि आजकल बहुत कम शो बहुत होता है। आप जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, है ना, तो वो टाइम नहीं मिलता जी। कॉमेडी की अगर बात करें तो सबको हंसाना, यहाँ पे मैं एक और किस्सा आपको बताती हूँ, हालांकि आपका काम तो बहुत टफ है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ है लोगों को हंसाना, बहुत टफ है, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। क्या हुआ था कि मेरे घर पे किसी का देहांत हो गया और मुझे वापस आके 2 दिनों में शूट करना है, कैमरा फेस करना है। अभी वही बात है, आपका बहुत टफ है, बट फिर भी यू नो एक आप अलग जोन में होते हो और आपको पता है कि आपको जाके शूट करना है, एंड सब कुछ भुला के यू हैव टू स्माइल, वो मेरे लिए बहुत टफ था, मतलब
कैसे करे, सबको हंसे. एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो पूरा शॉट देखे, आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज वो बहुत चीजें इकट्ठी हो गई थी. तो हाउ डू यू डू दैट, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ, और देन हर इमोशंस होते हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं. मुझे दुख है आपकी फैमिली में जो हुआ, पर वो हम सब आर्टिस्ट्स की और ये जो प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको अपना इमोशन पीछे रख के वो उस मौके की बात करना होता है, स्पेशली कैमरा के आगे जो लोग काम करते हैं, पर दूसरे लोग भी मुश्किल होता है. बट हाँ, तो वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन. तो वो चलते रहना चाहिए. तो वो ये करना ही होता है. जब आपने भी किया, सबको करना पड़ता है. तो मतलब यू कीप गोइंग, आप रुकते नहीं है या अफेक्ट नहीं होती है? तो यही होती है कि दोनों चीजें अलग अलग कर ले, ये प्रोफेशन बन जाता है, वो पर्सनल हो जाता है. पर मुश्किल तो है. देखिए, आर्टिस्ट क्या होते हैं कि इमोशनली ड्रिवन लोग होते हैं. अंदर से जैसा सोचते हैं वैसा वो मूड सेट होता है, उसको वो उसी को कहीं ना कहीं उनका रिफ्लेक्ट होता ही हो. नहीं तो अगर आप अपने इमोशन ज़्यादा नहीं निकालेंगे बाहर, तो आप मुझे पर्सनल लगता है कि फेक हो जाते हैं. और फिर वो ऐसा ही चलता रहता है. वो मेरे को लगता है पर्सनली कि वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं आता उसके अंदर. जब आपको मैंने क्या बोला? हाँ, मुझे समझ आया. मुझे नहीं आया बट मैं थॉट समझ गई. आई गॉट इट कि हाँ, मतलब रील में भी रियल होना जरूरी है. तो ना एक और किस्सा है, मुझे आपसे बात करके बड़े किस्से याद आ रहे हैं. जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी अजम्पशंस होती है थिएटर को लेके, फिल्मों को लेके, गानों को लेके. पहले मुझे आप बताओ, जब आपने थिएटर नहीं किया था या आप करने वाले थे या जाने वाले थे, तो ऑफकोर्स फिल्में देखते होंगे, क्या प्रोसेस था कि कैसे बनती है फिल्में, क्या होता है? मुझे पहले बचपन में लगता था कि स्क्रीन के पीछे वाकई लोग होते हैं. मैं आपको बताऊंगी कुछ. बड़े-बड़े लोग होते हैं. क्या हुआ कि मेरे गांव में जब मुझे लेडी, अभी हम बात कर ही रहे थे लोगों की, तो कोई 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 डांस का कुछ चल रहा था, आई डोंट नो, सम शो और फिल्म में कोई डांस कर रहा था. यू वोंट बिलीव, वो मीन कर रहे थे जिन्होंने कहा. हम सब बैठे थे एंड शी वाज लाइक, कितना अच्छा नाच रहे हैं, इनको आके आंगन में नचाओ, बोलो बाहर आए. एंड शी वाज सो इनोसेंट व्हाइल सेइंग दैट. और वो कितनी प्यारी चीज है, लोगों की अलग क्या, अलग क्या उम्र रही होगी उनकी? मुझे लगता है इन हर लेट 70s. सो एक अलग अलग प्रोसेस होता है लोगों का देखने का. तो मुझे भी लगता था ऐसा. मुझे लगता था इंटरवल में खाना वाना खाते होंगे लोग. मुझे भी ऐसा लगता था. फिर थोड़े टाइम बाद लगा, अरे ये लोग भी नहाते होंगे, ये लोग बाथरूम जाते होंगे, है ना. फिर वो बड़ा मुश्किल था जी, है ना. ये अच्छा, अमिताभ बच्चन भी पराठे खाते होंगे, ऐसा लगता था. तो ये लगता है, फिर धीरे धीरे आपको समझ आती है कि नई लोग हैं, काम करते हैं और ये दिखता है वैसा. पर मैं अभी भी मानना चाहता हूँ कि ये लोग होते हैं ऐसे. इसमें तो आप भी लिस्ट में है, वो मुझे नहीं पता, बट मैं वो मान के वही चलता हूँ. नहीं 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 नहीं, देखो कितनी प्यारी चीज है कि इस शहर ने आपको इतने सबक दिए और आज इतने सारे लोगों के साथ, मेरे ख्याल से शहर की पूरी मीडिया आपको कवर करने आई है. आज आप अपनी सफलता की कहानी उन लोगों को बता रहे हैं, ये अपने आप में दिखता है कि आप कितना काम कर चुके हो, कितना अच्छा कर चुके हैं. ईश्वर की कृपा है और साथ में इन लोगों का प्यार है. मेरे ही शहर के लोग हैं, बिल्कुल मेरे ही लोग हैं, तो वो तो आएंगे. बिल्कुल एग्जैक्टली. वैसे मेरा प्लान कुछ और था जो मैंने आपको बताया. जिस कॉलेज से आप पास आउट है वहीं से मैं भी पास आउट हूँ, ST कॉलेज. तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं वहां जाके ऐसा कुछ करूं, बट ऑफ कोर्स टाइम कभी करेंगे, जरूर वहां पे चलेंगे, जरूर करेंगे. आप लेके आओ ना कुछ पंजाबी में, कभी प्लान है? मैंने एक फिल्म की थी विसाखी लिस्ट, पर अभी कुछ ना कुछ जल्दी कुछ अच्छा आएगा तो डेफिनेटली करूंगा. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. थोड़ी पंजाबी बहुत सोहनी है मेरी. हाँ जी, ठीक है. ठीक नहीं, बहुत सोहनी है. जो मैं कई देखे पंजाबी ना, जो बॉलीवुड चल गए वो तो भूल गए, उन्होंने पता नहीं पंजाबी है. तुसी वेने पहाड़ी होके भी, पहाड़ी होके ओही गल है ना, सिख के, बिकॉज आ शहर ही बड़ा सोहना है, बड़ा कुछ सिखा देता है. हाँ जी, तुहानू सबक सिखाया, मैंने पंजाबी सिखाती. इट इज गोइंग सो गुड विद यू. बट यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे हम. So I'll come back after a short break. देखते रहे Star Talk. Welcome back after a short break. आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज. मैं हूँ आपके साथ सोनाली और मेरे साथ है सुनील जी. सुनील जी, और कुछ बताइए ना यूनाइटेड कच्चे के बारे में. अच्छा, नाम की बात करेंगे. मैं बड़ा हेजिटेट हो रही थी बोलने में, यूनाइटेड कच्चे. मैंने बड़ी बार प्रैक्टिस किया. तो ये जब नाम पहली बार सुना, कच्चे का मतलब पता था आपको? कच्चे का ये पता, कच्ची रोटियाँ होती हैं,
रोटी कच्ची रहेगी वो पता था, कच्चे कच्चे फ्रूट हैं ये कच्चा है, अनार कच्चा है ना, वो ही सुना था, पर इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे। लेकिन अभी पता चल गया कि कच्चे एक्चुअली जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं वो जो उन लोगों को कच्चा कहा जाता है जिस भाषा में, जो बाहर आने जाने जो हो जाना चाहते हैं उन सब लोगों को पता है कि जो पक्का होना चाहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को कच्चा बोला जाता है। तो यूनाइटेड कच्चे इस कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो एक साथ रहते हैं एक घर में, तो ये उनकी कहानी है। ओके, तो ये इसमें पंजाब तो मतलब भेड़ चाल, जैसे आपने बोला कि स्टडीज का इतना नहीं जितना आईएलएस और टॉफल का यहाँ पे लगे हैं बोर्ड्स। मैं हैरान हो गया हूँ, इतने सारे बोर्ड लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, तो ये हम रिवील नहीं कर सकते स्टोरी ऑब्वियसली, बट क्या है कुछ सबक है उन लोगों को या स्ट्रैटेजी? अगर आपकी इच्छा है बाहर जाने की, अगर आप अपना करियर बाहर जाके बनाना चाहते हैं, तो शौक है आपको, प्लीज जाए, लेकिन लीगल तरीके से जाए, क्योंकि ये इलीगल तरीके से जाना और वहाँ रहना बड़ा ही मुश्किल लाइफ है। जब मैं स्क्रिप्ट में भी पढ़ा और सुना लोगों से किस्से, तो बड़ा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को समझने के लिए जरूर देखें यूनाइटेड कच्चे Z5 पर। ऑफ कोर्स आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, अब आप है तो मुझे पता ही है, होपफुली बेस्ट होने वाला है। यस, तो अगर मैं आपकी बात करूँ, ये वैसे आपने डिस्कस किया, तो आपने कभी सोचा नहीं जैसे आप चंडीगढ़ में रहे यहीं पे पढ़े, तो ना एक ट्रेंड होता है, आधे तो इसीलिए जाते हैं कि मेरे पड़ोस का लड़का वहाँ रहता है तो मैं जाके आता हूँ, ऐसा कुछ ऐसी यही मेन तो यही है, देखा देखे और चाचे का लड़का चला गया जी, ताऊ जी का लड़का चला गया जी, मैं तो यही बैठा हूँ, तो वो देखा देखी का ही चलन है कि इसको देखा तो मैं भी जाता हूँ, वो गया, मेन कारण ही वही है, वरना इतने लोग बाहर जाने नहीं जाते।